हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीमास किचन। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चने दाल वड़े की रेसिपी। ये बेसिकली साउथ इंडियन रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाने का तरीका भी काफ़ी इजी है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो दोस्तों, मैं एक बर्तन ले लूँगी और उसमें मैं ले लूँगी 2 कप चना दाल। मैंने ये कटोरी का मेजरमेंट सेट कर लिया है, तो आप चाहे तो कोई भी कटोरी का मेजरमेंट सेट करके 2 कप चना दाल लीजिएगा। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी। तो मैंने 3 ग्लास गुनगुना पानी डाल दिया है और इसे लगभग हमें 4 से 5 घंटे तक अच्छे से भिगो देना है। तो मैं एक ढक्कन रख के इसको भिगोने के लिए रख लेती हूँ। दोस्तों, लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है, तो मैं एक बार तोड़ के देख लूँगी। ये अच्छे से टूट रही है नाखून से, मतलब दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। तो अब मैं एक मिक्सर का जार लूँगी और उसमें डाल दूँगी दाल। ये मैं दाल के 2 भाग कर रही हूँ, एक ही बार में मैं सब नहीं पीस रही हूँ, आधी आधी करके पीस लूँगी। तो अब इसमें डाल दूँगी 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल देना है इसमें। और इसे हमें चिकना बिल्कुल भी नहीं पीसना है, हम लोग दाल को दरदरा पीसेंगे। तो दोस्तों, मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है और ये मैंने बिल्कुल चिकना नहीं पीसा है, एकदम दरदरा पीसना है। तो मैंने स्टार्टिंग में 5 हरी मिर्च डाली थी, तो पूरे दाल को पीसने के लिए सिर्फ हमें 5 ही हरी मिर्च चाहिए। सेकेंड टाइम मैंने कोई भी हरी मिर्च नहीं डाली और मैंने पूरा जो दाल है उसको अच्छे से पीस लिया है। तो एक बर्तन में पूरा इसे निकाल दूंगी। तो दोस्तों, दाल हमने रेडी कर ली है पीस के। अब मैं यहाँ ले लूँगी 10 से 12 मीडियम साइज़ अनियन, 7-8 हरी मिर्च और 1 बाउल करी पत्ता जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। इसमें प्याज और करी लीव्स बहुत ज़्यादा पड़ता है, हर साउथ इंडियन रेसिपी में करी लीव्स का यूज़ होता ही है। तो आप भी इसमें प्याज और करी लीव्स अच्छे से डालिएगा। जो हरी मिर्च आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून सौंफ डाल दूँगी। उसके बाद इसमें मैं मिला लूँगी स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, अब इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। और इसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा पानी मैंने जो डाला था पीसने के टाइम पे वही पानी इसमें डाला है। ओवरऑल इसमें कोई भी पानी नहीं डाला है। तो हम लोग ने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम वड़े को फ्राई कर देते हैं। वड़े का शेप जो है वो हमारे मेंदू वड़े या आलू की टिक्की के जैसा ही बनाना है। तो मैं इस तरह से इसका शेप दे दूँगी। आप चाहे तो एक हाथ से भी कर सकते हैं या 2 हाथ से भी आप शेप को बना सकते हैं। तो मैंने ये टिक्की के जैसा शेप बना दिया है और तेल को गर्म करने के लिए रख लिया था। तो अब हम लोग जो है वड़े को धीरे धीरे तेल में डाल देंगे। तो दोस्तों, ऐसे एक बैटर ले लिया है और दूसरे हाथ से उसे प्रेस कर लिया है, जैसे हम लोग टिक्की बनाते हैं आलू की वैसे ही। तो अब धीरे धीरे हम लोग को ऑयल में डाल देना है और ध्यान रखना है जो फ्लेम है वो स्टार्टिंग में आप तेल की आंच को हाई रखिएगा, फिर वड़े डालने के बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और हमको दोनों साइड से इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर देना है। तो मैंने इसमें 7 से 8 वड़े डाल दिए हैं और बीच में मैं इसको पलटते रहूँगी ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो फ्रेंड्स, लगभग 7 से 8 मिनट के बाद जो वड़े का कलर है वो एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये तेल से निकालने के लिए एकदम रेडी है। तो अब हम इसे तेल से निकाल देंगे। तो मैं एक प्लेट में इस टिश्यू पेपर को रख रही हूँ ताकि जो भी वड़े में एक्सेस ऑयल हो वो टिश्यू पेपर में चला जाए। और इस तरह से मैंने तैयार कर लिए वड़े, चना दाल वड़े को, और बाकी के जो भी वड़े हैं वो भी मैं तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों, मैंने सारे वड़ों को तैयार कर लिया, वड़े काफ़ी अच्छे बने हैं। तो इसे केचप और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई और चटनी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।